आज फिर आज रूम एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं बताऊंगा कि कुवैत में इलेक्ट्रीशियन का काम कैसा है और इलेक्ट्रीशियन के काम में कमाई कितनी है। पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन का काम कंपनी में बेहतर है या डेली में अपना खुद का करना बेहतर है। तो मेरा एक दोस्त है समीर, 5 साल से वो कुवैत में इलेक्ट्रीशियन है, तो उससे बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रीशियन का काम कुवैत में कैसा है, बेहतर है या नहीं। क्या हाल है समीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कुवैत में है? हाँ भाई। कब से? मुमकिन तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कब आए थे कुवैत? 2017 में। कैसा लग रहा है कुवैत में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है भाई। क्या काम कर रहे हो कुवैत में? इलेक्ट्रीशियन का भाई। इलेक्ट्रीशियन? यस। कैसा है काम इलेक्ट्रीशियन का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है भाई। बहुत अच्छा है। कमा सकता है आदमी अगर इलेक्ट्रीशियन है तो? आराम से भाई। उसको अगर इलेक्ट्रिक का काम आता है तो अच्छा कमा सकता है? आराम से कमा सकता है, बस काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं काम नहीं करेगा तो कहाँ से कमा लेगा। ये बात भी सही है। तो इलेक्ट्रीशियन में डेली वेज में पैसा मिलता है या महीना में? डेली वेज में भी है। आपको डेली वेज में चाहिए तो हेल्पर है तो उसको 5 दिनार 6 दिनार मिलेगा और डेली का। हाँ, अच्छा कार्य करे तो उसको 15 दिनार 16 दिनार ऐसा चलता है। 15 दिनार 16 दिनार या तकरीबन इंडिया का 3500 रूपए का करे। हाँ, काफी अच्छी कमाई हो जाएगी यार। तो इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पे कुवैत में मतलब रेगुलर मिलता रहता है या कि क्या सिस्टम है? रेगुलर मिलता रहता है, बस ऐसे जब तुम स्टार्टिंग आओगे थोड़ा तो तकलीफ होती है। हाँ, शुरुआत में पहचान बनाने में। पहचान जिससे तुम्हारी बन गई तो एक जगह काम नहीं, दूसरी जगह का तुम्हारे पास में नंबर है, तुम बात कर सकते हो, तुम्हें ले लेंगे। हाँ, मतलब 2-4-10 लोगों से बोल दो कि भाई मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, काम पड़े तो मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ, तो ऐसे में भी पहचान बनती है। ऐसे ही तो धीरे धीरे पहचान बनेगी, फिर तुम अपना भी काम कर सकते हो। फिर अपना भी काम कर सकते हो। तो शुरुआत में जब तुम आए थे तो तुम इलेक्ट्रिक का काम जब शुरू किए तो किसी के थ्रू साथ में जाते थे या पर्सनल काम? जब मैं स्टार्टिंग आया था तो मैं दूसरे के साथ में जाता था, मुझे 6 दिनार मिलती थी उस टाइम। 6 दिनार एक दिन का? एक दिन का। 6 दिनार 1500 रूपए। हाँ, एक दिन का मुझे 6 दिनार मिलता था। आज के टाइम में मुझे 15 दिनार मिलता है। 15 दिनार मिलता है, तो मतलब अपग्रेड हो गया है मामला। और काफी हद तक तो वो अपडेट हुआ, उसके बाद में मैं अपना भी थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। अपना भी थोड़ा थोड़ा। हाँ, मतलब जैसे कि कहीं कंपनी में काम कर रहे हो वो करके आए, फिर कोई बुलाया कि भाई मेरे घर में छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकता। हाँ, है वो तो मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही तो हमारा फायदा होता है, वही वो ज्यादा फायदा होता है वहाँ पे कंपनी में। वो महीना में मिलेगा, डेली वाला मिलेगा, घर में काम ये वो अलग मिलेगा, ये सिस्टम है। तो और बाकी यहाँ पे और कोई इलेक्ट्रिक के काम में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। बात मैं बोला काम आना चाहिए यहाँ, हर चीज यहाँ इंडिया से ज्यादा ईजी है। हर चीज इंडिया से ज्यादा ईजी है। मतलब जैसे कि जैसे इंडिया में मैं देखा हूँ कि काटना पड़ता है दीवारें, यहाँ भी काटना पड़ता है, सारी चीजें काटना पड़ता है। उधर क्या पहले छेनिया थोड़ी तोड़ना पड़ता था। हाँ, इधर मशीन है तो उसको मशीन से लगाओ, तोड़ते चले जाओ, मशीन से तोड़ते चले जाओ। मतलब इंडिया से थोड़ा आसान है, बहुत आसान है इंडिया से हर चीज के लिए। हाँ, इंडिया से बस थोड़ा स्केल फर्क है क्यों, यहाँ वायर का दिक्कतें होती है। इंडिया में क्या है, इंडिया में न्यूट्रल एक ही जगह उतरता है। हाँ, यहाँ न्यूट्रल पहले ही छूट जाता है, बस एक ही चीज मतलब का एक दो डिफरेंस है। डिफरेंस है थोड़ा, एक दो दिन में आदमी वो कर लेगा, एक दो दिन में समझ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो उसको, जैसे इंडिया का इलेक्ट्रीशियन है तो उसको कितना वक्त लगेगा यहाँ समझने में? मुमकिन 5 दिन कारीगर होना चाहिए। मतलब अगर उसको आता है इंडिया में कारीगर है, 5 दिन जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है कारीगर है 3-4 साल से कर रहा है इंडिया में, तो यहाँ के 5 दिन में सब नॉर्मली सीख सकता है। 5 दिन बहुत है उसके। अगर नया आदमी है हेल्पर में लगा, उसको इलेक्ट्रीशियन बनने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको पर डिपेंड है, वो तो फिर भी आइडिया से मुमकिन नॉर्मल आदमी है एक साल में इलेक्ट्रीशियन बन जाएगा। और उसको पैसा भी मिलेगा भाई। हाँ, वो जो बॉक्स वॉक्स लगाना रहता है वो सब वो तो सीखोगे जब ही आएगा, वो सब लगाना सीख जाएगा एक साल में। आ जाएगा आराम से आ जाएगा। तो यहाँ काम हम लोग की बिल्डिंग में रहता है, एक एक दो दो साल काम चलता है एक बिल्डिंग में, एक साल दो साल भाई। वहाँ हम लोग कटिंग करके छोड़ देंगे, जब प्लास्टर होगा जब उसमें वो पाइपिंग वायर डालेंगे फिर उसको छोड़ देंगे। ऐसा होता है। मतलब कटिंग करके तुम छोड़ दोगे फिर प्लास्टर होगा। समझ रहा हूँ ये चीजें हैं। जैसे कि अगर कोई महीना वाइज नया आदमी आया, महीना वाइज हेल्पर में लगा इलेक्ट्रीशियन के साथ, कितनी सैलरी रहती है एवरेज? 6 दिनार से पकड़ लो 180 दिनार। 180 दिनार? नहीं, मैं कितने लोग को सुना कि इलेक्ट्रीशियन हेल्पर है तो 120-130 मिलती है। कैसा होता है उसका भी वो है। हाँ, तुम बाहर में आओगे। हाँ, तो ऐसा रहे, कंपनी में आओगे तो तुम अच्छे कारीगर की 120-130 दिनार सैलरी है। कंपनी में अच्छे कारीगर की 120-130 दिनार सैलरी कंपनी में। कंपनी तुम्हें सब चीज देती है। हाँ, खाना देती है, रूम देती है, ट्रांसपोर्ट का देती है। ऐसा क्या है, हमारा हर चीज है। इसे अगर तुम मतलब 180-200 मिलेगा तो उसमें सब कुछ तुम्हारा रहेगा। कंपनी के थ्रू 120-130 मिलेगा, सब कुछ कंपनी का, सब कंपनी का ये सिस्टम है। अभी तुम्हारा ट्रैवल भी मतलब आना जाना भी तुम्हारा खुद का है। हमारा नहीं, हम जाते हैं किसी के साथ में जाएंगे तो उसी के साथ में जाएंगे, यानी कि हम अदरवाइज कहीं पे जा रहे हैं तो उसमें तो हमको हमारा ही रहेगा ना। अब जो पर्सनल कंपनी वाले में कंपनी का अप डाउन रहेगा, कंपनी की बस लेके आएगी, कंपनी की बस छोड़ के आ जाएगी। हर कंपनी जब हर चीज दे रही है, रूम भी दे रही है ना कंपनी, रूम भी दे रही है, तो ये बेहतर है। तो दोनों में से कौन सा काम बेहतर है, मतलब कंपनी में आना या अपना काम करना? भाई मेरे हिसाब से तो अपना ही आना है। कंपनी में क्या है, अपने मालिक हो तुम। हाँ, जब मन करे करो, हम काम पे जाएं चाहे जाएं, नहीं जाना। कंपनी में काम जाना है तो जाना ही पड़ेगा। कंपनी में तो सवाल नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा। ये बात सही है। तो आने में तुम अपने में आने में कितना पैसा लगता है एवरेज? समथिंग
2 लाख रुपए, 2 लाख के 10-20 ऊपर नीचे, हाँ, ऊपर नीचे 2 लाख 20 हजार, 1 लाख 80 हजार के करीब, ऐसा ही कुछ। हाँ, और एवरेज कंपनी में आने में 80-70 हजार में आ जाएगा। 70-80 कंपनी में तो फ्री बीजेपी मिलते हैं, 35-40 हजार आता है, और बहुत लोग एजेंट खाते हैं, तो एजेंट खाते तो 80-90 हजार रुपए पकड़ लो, पकड़ लो। जैसे अभी एक दोस्त गया है मेरा सहबाज, 1 लाख 30 हजार लगा है, आप सोचो 1 लाख 30, वो भी कंपनी में नहीं होटल में। अब तो एजेंट लोग कमाते हैं भाई, कंपनी का वीजा फ्री रहता है, ड्राइवर हो चाहे हेल्पर हो, वीजा फ्री रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे सिस्टम है। मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई ये इलेक्ट्रिशियन है, 5 साल से इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, कुवैत में समीर भाई हैं, मेरे घर के बाजू में ही इनका घर है, एक ही गाँव, एक ही मतलब बचपन से साथ, बचपन पूरा साथ में बीता है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो साथ में रहते हैं यहीं, ये 5 साल से थे, मेरे को 2.5 साल हुआ यहाँ के, मुलाकात हुई, तो मैं सोचा इनसे जानकारी लेके कुछ बताया जाए, जो लोग इलेक्ट्रिक के काम में भी आना चाहते हैं वो लोग आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही कह रहा हूँ ना? दम कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, किसी चीज की दिक्कत, बस काम आना चाहिए, बस काम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है हेल्पर में काम करो, थोड़े दिन मिलेगा, हाँ थोड़े दिन सीखो, उसके बाद मामला बेहतर आपका बढ़ती रहेगा। मतलब मेहनत कैसी है? मेहनत तो यार भाई 8 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे सुबह हम लोग 5 बजे जाते हैं, 2 बजे 3 बजे ऐसे ही आ जाते हैं, तो मतलब काम है, मेहनत है, काम भाई मेहनत रहेगी जब तक तुम्हारी कटिंग होगी, कटिंग होगी उसके बाद फिर नॉर्मल वायर खींचने में थोड़ा सा मेहनत, नहीं नहीं वो केवल कटिंग में ही दिक्कत होती है, कटिंग में जब कटिंग करना है उसी टाइम में मेहनत है, फिर उसके बाद कोई मेहनत नहीं है, उसके बाद फिर अपने हिसाब से धीरे धीरे, फिर उसमें क्या है तुम्हें केमिकल का काम भी करना है, डीबी भी वो करना है। हाँ भाई गर्म बहुत होती है, गर्म बहुत, यहाँ गर्म तो है, गर्म बहुत है भाई, हाई टेम्परेचर मामला रहता है, गर्म बहुत पसीना पसीना, क्यों यहाँ ऐसा बाजी टाइम लोग इतनी गर्म होती है कि हम लोग काम पे भी नहीं जाते, मतलब इतनी गर्म काम के नहीं जाते कि थोड़ा मामला ठंडा होगा पी जाएंगे। यहाँ रूल भी सेट रखे गवर्नमेंट, हाँ यहाँ गवर्नमेंट रूल सेट है कि भाई धूप ज्यादा है तो काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब क्योंकि अब तुम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ तो एसी है ही नहीं ना, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिक शुरुआत हुई है, तो ये मामला है। सबसे मेन बात गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम होती है, बाकी और कोई खास प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की दिक्कत नहीं। हाँ तो अब ये बोल दो कि भाई जिसको इलेक्ट्रिक के काम में आना है वो आसानी से बेफिक्र होके आ जाए, बस आपको चाहे कंपनी में बाहर से आना है, हाँ, या अपना कंपनी को वीजा लेना है उसमें आ जाओ, कोई दिक्कत बेटर है, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आप कंपनी में आते हो तो पहले उसको कंपनी पता कर लो, वो कंपनी कैसी है भाई, कहाँ मालूम पड़ा तुम कंपनी वहाँ से आ गए, 120 दिनार देगा, यहाँ तुम्हें 90 दिनार मिल रहा है, तो उसमें तुम्हारा होगा थोड़ा सा लॉस होगा। बाद में ये बोलेगा देखो हम कुवैत गए थे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, हाँ। वो एजेंट खराब होता है, एजेंट खराब होता है यहाँ आने के बाद, बस तुम थोड़ी जानकारी निकाल लो आने से पहले, उसके बाद कुछ एजेंट हैं जो झूठ बोलते हैं, मतलब रहता है कुछ है बताते कुछ है, हाँ। ये चीजें रहती हैं, बाकी यहाँ पे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के 8-10 लाख लोग यहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग चीजों में, कितने लोग विद फैमिली रह रहे हैं, तो यहाँ सारी चीजें बेहतर है, इतना मुश्किलात नहीं है, जिसको आना चाहे जो आना चाहता है आसानी से आ जाए। तो ये थे समीर भाई इंडिया से, यूपी फतेहपुर से, मेरे घर के बाजू में रहते हैं, मेरे खास दोस्त में से हैं, इनसे हमने बात की इलेक्ट्रिक के काम के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछें, समीर भाई रिप्लाई देंगे। ओके समीर भाई रिप्लाई दोगे? यस। तो बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करें भाई, देसी अनक्लाउड सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर भी करो। ओके, सलाम वालेकुम।